मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अपनी कुछ वीडियोस के थ्रू ये बताया था कि महिंद्रा अपनी फ्लैगशिप एसयूवी XUV700 के फेसलिफ्टेड मॉडल पर काम कर रही है और अब इसके कुछ फीचर्स की डिटेल्स लीक हो चुकी हैं जिनके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप XUV700 और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर 2024 महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट की लीक्ड फीचर डिटेल्स की बात करते हैं। इस लीक्ड इमेज में आप नई XUV700 के कैप्टन सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख और पढ़ सकते हैं, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि अब XUV700 में भी हमें सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलेंगी, जिनके साथ हमें स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन तो मिलेगा ही, और यही सेम फीचर्स हमें बेंच रो वेरिएंट्स में भी मिल सकता है, जिससे इसके सेकेंड रो कंफर्ट बढ़ जाएगा। चलिए अब दूसरी लीक इमेज की बात करते हैं। इस लीक इमेज में आप ऑटोमेटिक IRVM के फीचर के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि नई XUV700 में मिलने वाला है। तो ये तो होगी 2024 महिंद्रा XUV700 लीक फीचर डिटेल्स की बात। इन सब फीचर्स के अलावा भी नई XUV700 में हमें लेवल 2 ADAS सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट एंड रियर सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट, अपडेटेड टच स्क्रीन एंड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड्सअप डिस्प्ले, पावर टेल गेट, एम्बिएंट लाइटिंग विद साउंड मूड लाइटिंग, न्यू इंटीरियर कलर थीम्स, ऑल ब्लैक एडिशन, फुल LED टेल लाइट्स, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड एंड डोर पैड्स वाले फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से 2024 महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।